बात ऐसी है कि जब आकृति ट्रेनिंग कर रही थी स्प्लिट्सविला के, वो एक इंटेंसिव कैंप में गई थी, 3 months का ट्रेनिंग होता है स्प्लिट्सविला का, इंटेंसिव कैंप में गई थी वो ट्रेनिंग करने के लिए। तो उधर उसे बताया गया था कि जितनी ज्यादा बारी आप आई लव यू बोलोगे उतना आपका चांस बढ़ता है फिनाले में पहुंचने। क्या बात कर रहे हो, यस यस, तो जीतने का। यस, हाय गाइस, दिस इज एन इनसाइडर, आमिर उर्फ क्यूपिड, और आज मैं आया हूँ विला में एक और रूमर देके और एक और एक्सक्लूसिव न्यूज लेके। जो न्यूज है हमारे पास आज वो है कि ये 3 words आई लव यू जो वर्ड्स है बहुत ही बदनाम हो चुका है इस पिछुरा में, क्योंकि आजकल कोई किसी को भी आई लव यू बोल रहा है, और कोई शो के पहले भी किसी को आई लव यू बोला है, लेकिन नहीं मालूम हमको ये सच है या झूठ। चलो चलते हमारे स्पिट विलन से पूछता है कि ये रूमर क्या सच है या गलत। आ जाओ, अरे शुभी तो इधर है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमको हमारा फर्स्ट कंटेस्ट। हेलो शुभी, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? ऑल वेल। शुभी, एक एक्सक्लूसिव खबर और एक एक्सक्लूसिव रूमर है जो विला में फैल गया है। हाँ? 3 words जो है आई लव यू बहुत ही बदनाम हो चुका है, कोई किसी को भी बोल रहा है। Exactly. और शो के पहले शो के बाद, ये आपको लगता है कौन हो सकता है ये लोग? कौन हो सकते हैं? ये डेफिनेटली लड़के ही हैं। हाँ, लेकिन नाम फॉर श्योर, हाँ वो तो है, नाम बोलो जो बोल रहे हैं। जहाँ तक मुझे भी उड़ती उड़ती खबर आई है, उसके अकॉर्डिंग तो शिवित एंड आकृति। हाँ, हाँ, वो है। हाँ, लेकिन आपको क्या उड़ती खबर है, ये सच है या सिर्फ शो के लिए बोल रहे हैं लोग? ये सच है, सच है, जहाँ तक मुझे लगता है ये सच है। तो ये आकृति ने कितने लोगों को आई लव यू बोला है फिर? आकृति ने, आई थिंक शिवित ने उसको आई लव यू बोला, और उसने भी, आई थिंक दोनों ने एक दूसरे को बोला है, और शो में आके फिर आकृति ने जशवंत को बोला है। शो, लेकिन दिग्विजय के साथ भी ऐसा सुनने में आया कि आकृति ने आई लव यू दिग्विजय को भी बोला था। ये आपको नहीं पता था? क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो आपको क्या लगता है ये सच रहेगा, आकृति बोली रहेगी आई लव यू किसी को और को? प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे एक सपोर्ट करना चाहूंगी आकृति को। okay, क्यों पता है? क्योंकि ये लड़के प्रिटेंड ऐसे करते हैं बाहर में या विला के अंदर जो भी है, कि पूरा पूरा दिल ले गई ये लड़की तो, और तुम ही हो सब कुछ, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया ला दूंगा। उसके बाद अगर लड़की ने बोल दिया तो क्या गलती है? लड़की भी बोल सकता है लव यू, दिखा क्यों, वही आप दिखा रहे हो तो फिर वो तो है। लेकिन आप खुद के बारे में क्या बोलना चाहते हो, इसके बारे में क्या खुद भी आप विक्टिम हो इसका? मैं इस चीज की विक्टिम जरूर हूँ, मुझे भी फ्रेंड फ्रेंड करके बहुत कुछ बोला गया है ऑफ कोर्स, एंड वो सारी चीजें तो जनरली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलेगा या स्टार्टिंग फेज ऑफ रिलेशनशिप में होगी, बट यहाँ पे आके उस सब चीज को friend, as a friend, as a friend का tag दे रही है, as a friend, exactly, जो friend roses दे और जो friend क्या क्या करे, पहली बार train में बैठ के आ जाए, सब कुछ। अरे क्या बात है। So, अब ऐसे friends हो रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? ऐसा फ्रेंड्स हम सबको नसीब हो जाए, लेकिन हाय हमको बिल्कुल नसीब ना, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसे फ्रेंड्स जिंदगी में। और आपको लगता है कोई और ऐसा कपल है जो एक दूसरे को सिर्फ शो के लिए आई लव यू बोल रहे हैं? Of course, एक तो पता ही है मुझे, हर्ष विशाली। Oh my God! मैंने देखा है ना, वो सेम जैसा था यहाँ पे उसके साथ, वो सेम मेरे साथ शो के बाहर था वैसा। सो मैंने तो देखा है ना उसका वो वाला फेस, तो मुझे पता है जब भी बोलता है आई लव यू। देखिए एक चीज है, आई लव यू कभी भी बोल के नहीं दिखाया जाता है, ऐसे बोल के कि ये मेरी शेरनी है, मैं इसका शेर हूँ, वो सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ होता है वहाँ दिखता है। जैसे अनिकेत डेकेला का, शिवित हनिका का, वो बिना बोले दिखता है, तो जहाँ पे लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, वो आई थिंक इट्स जस्ट फॉर पब्लिसिटी, और वो तो definitely fake निकलता है। Action speaks louder than words. Definitely, it does. अरे, आप इधर पीछे क्यों छुपे हो? किससे डर रहे हो? हाँ? मैं किसी से नहीं। आपको baby elephant किधर है? होगा कहीं, यहीं कहीं। 3 words को, I love you को, लोग बदनाम कर रहे हैं, किसी को भी बोल रहे हैं। अच्छा, I think so, yes, because 30 days या 3 दिन में प्यार नहीं होता। प्यार के लिए मुझे लगता है महीनों लगते हैं, थोड़ा वक्त लगता है। तो अगर कोई आई लव यू बोल रहा है, देन आई एम सॉरी, वो सच में गलत यूज कर रहे हैं। आकृति ने जो था शिवित को बाहर आई लव यू, अच्छा शिवित ने उसको आई लव यू बोला। हाँ हाँ, ये हुआ था, तो मेरे सामने की बात है ना, मतलब हाँ। मुझे खुद आकृति ने बोला था कि इन दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू शायद बोला है, तो हाँ ये तो है, सच है। सच है मेरे अकॉर्डिंग तो सच है, क्योंकि मेरे को तो बताया आकृति ने, बट हालांकि उन्होंने डिनाई कर दिया ये चीज, बट बोला तो है। दिग्विजय को भी आई लव यू बोला था? ये मुझे नहीं पता, ये दिग्विजय ने बोला है तो आई डोंट नो, बट जितना दिग्विजय को मैं जानती हूँ, झूठ तो नहीं बोलता है। मतलब हुआ है, तुमको क्या लगता है विला में कौन फेक कर रहा है और आई लव यू फेक का बोल रहा है? ये तो पूछ सकता हूँ।
यार मुझे लगता है सभी फेक कर रहे हैं। सभी? सभी। Including you and Arbaaz। मेरे साइड से तो रियल है। आप Arbaaz से पूछिए Arbaaz का क्या है? Any advice for young people that you wanna say that they use I love you as a Okay, so मेरी एडवाइस यही है, टिल द टाइम यू डोंट फील दैट इमोशन फॉर समवन की तुम्हें अपने से ज़्यादा उसकी परवाह, तुम अपने आप को भूल जाओ, लेकिन वो इंसान तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट लगे ना कि उसके लिए तुम दुनिया छोड़ सकते हो, जब तक वो इमोशन नहीं आता ना तब तक आई लव यू मत बोलो। ये फैंसी वर्ड्स नहीं है, इनका सच में मीनिंग होता है। और मैं तो मतलब आई लव यू बोलती हूँ तो मैं तभी बोलती हूँ जब मुझे एकदम दिल से आता है। लाइकिंग, अट्रैक्शन, लस्ट एक तरफ और लव इज अ डिफरेंट फीलिंग। Which whether this rumor is right or not. Yeah. Till then. It is true. It is true. Bye bye. अरे 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 अनिका मिल गई. लोग एक तीन शब्दों को बदनाम कर रहे हैं स्पिट्सविला में. I love you. कोई किसी को भी आई लव यू बोल रहा है, कोई शो के बाहर किसी को आई लव यू बोला है, अच्छा। कोई शो के अंदर. आपको इसके ऊपर क्या कहना और आपको लगता है ये लोग कौन है? पता है मुझे आप किसके बारे में बोल रहे हो? ऑफ कोर्स शिविर। मेरे को इस बारे में मैंने पहले भी बोला था, जो नायरा और शिविर का हुआ था मैंने पहले भी बोला था कि जो चीज़ें पास्ट है मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, और अगर हुई भी हैं तो शिविर अभी मेरे साथ है और वो मेरे साथ बहुत अलग है। पहले जो भी हुआ उसको मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी नहीं, अब जो होगा वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करेगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं अगर पास में कोई उस किसी ने आई लव यू? नहीं, मैं उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसे पूछती हूँ, वो मुझे खुद ही उसने मुझसे बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दी थी, नायरा की चीज़ें, आकृति की चीज़ें, तो मुझे पहले से पता थी ये सारी चीज़ें कि क्या हुआ है, किसके साथ, इनफैक्ट कितने हुकअप्स है उसके, कितने रिलेशनशिप है, सब उसने मुझे बताया है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सच्चाई में सच्चा है तुम्हारे साथ, मतलब बोलना चाहता हूं। हाँ, मेरे लिए तो है। और आपको इसके ऊपर, आकृति के ऊपर क्या बोलना है? उसने दिग्विजय को भी शायद आई लव यू बोला था यार। कंट्रोवर्सी चाहिए? नहीं, नहीं, जो सुनने, मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ, ये सब सुनने मुझे में आया है। मुझे नहीं पता उसने दिग्विजय को आई लव यू बोला था या नहीं, ये मुझे नहीं पता, बट जो भी सीन था आई गेस आकृति का पहले होगा, अभी वो जशवंत के साथ है और उसको भी आई लव यू बोला है, जशवंत को भी आई लव यू बोला है, ऐसे सुनने में आया है। ये मुझे नहीं, जैसे सिवेत का आपको आई लव यू बोला है। मुझे 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 उसका पता है कि जशवंत ने आकृति को आई लव यू बोला है, बट आकृति ने जशवंत को आई लव यू बोला ये नहीं पता मुझे। मैं बताया तुमको, मैं भी अभी आपसे पता चला, जशवंत ने आई लव यू बोला है आकृति? हाँ, जशवंत ने तो बहुत बार बोला है आई लिसन आई लव यू। ठीक है, ये स्प्लिट्स मिला है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो मैं जाता हूँ बाकी के लोगों से पूछने क्या आई लव यू है या नहीं। मैंने बोला, मैंने और शेर क्या हाल है, तो कहता आप शेर बोल रहे हैं, मैं कहा सुन कुत्ता सबके सामने बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो शेर और कुत्ता कैसे हो भाई? अरे भाई क्या हाल है? एकदम बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया। लोग तीन शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहे शो के अंदर और शो के बाहर भी इस्तेमाल कर, क्या ये सच है? क्या है? आई लव यू। अच्छा, ओ मैं समझ गया किसी बात कर रहे हो आप। बोलिए, किसकी बात कर रहे हैं? हर्ष की। जैसे कि अब एक एग्जांपल दे सकता कि आकृति सिवेट, आकृति सिवेट क्यों, आकृति दिग्विजय। सो जो आकृति है मुझे ऐसा लगता है बहुत ही चलाक लोमड़ी है इस विला की। उसने सबको, उसने उसने पहले देखा कि किसमें पोटेंशियल है, उन्हें शिवेत को बोला, उसको लगा शायद परफॉर्म करेगा आई लव यू, आगे खेलेंगे, फिर उन्हें कहा कि कोई और दूसरा मिल गया तो शायद दिग्विजय, उसको लगा कि यह परफॉर्म करेगा, फिर उसको उसका कुत्ता मिल गया। बात ऐसी है कि जब आकृति ट्रेनिंग कर रही थी स्प्लिट्सविला के, वो एक इंटेंसिव कैंप में गई थी, 3 months का ट्रेनिंग होता है स्प्लिट्सविला का, इंटेंसिव कैंप में गई थी वो ट्रेनिंग करने के लिए, तो उधर उसे बताया गया था कि जितनी ज्यादा बारी आप आई लव यू बोलोगे उतना आपका चांस बढ़ता है फिनाले में पहुंचने। क्या बात कर रहे हो? यस यस, तो जीतने का। यस, तो मतलब शो अभी ऐसा है कि बाहर से लोग जो आई लव यू बोले और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, अंदर आके किसी और को आई लव यू बोल रहे हैं। देखो कंटिन्यूटी की बात होती है हर चीज पर। शुरू में उसने ट्राई करा कि दिस इज दी एम, दिस इज दी एम, दिस इज दी एम। देखो बात ऐसी है कि जितना आप ट्राई करो उतना आपका मौका होता है कि मैं शायद विन कर जाऊँ। 4 आई लव यू इज इक्वल टू मोर चांस ऑफ गेटिंग आई लव यू। पर यहाँ पर तो वो डे वन से जशवंत के साथ थी। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ कि उसने जो रोडीज करके आते ना, स्पेशली जो रियलिटी शो करके आते, उनको पता होता है कहाँ पर क्या मसाला देना। जब शिवित की एंट्री हुई तो शिवित अपना हीरो बन के गया, वहाँ जाते जीरो हो गया क्योंकि आकृति ने बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बोलने लगी, हम लोग सुन रहे थे।
उधर से क्या हुआ, उसने क्या किया कि उसने ट्राई किया सारी लड़कियों को पहले अपनी स्टोरी बताने का। ही ट्राई टू बी वेरी फेयर कि भाई भाई मेरे को चूज कर लेना, क्योंकि मैं ना ऐसा इंसान नहीं हूँ जैसा ये आकृति बता रही है। एंड आकृति नोज हाउ टू ट्विस्ट वर्ड्स। तो उसने पहले उसकी मार ली, फिर रूम में अंदर जाके प्यार कर लिया, फिर सारी चीजें बेस्ट फ्रेंड बन गए, फिर एक टाइम पे शिविर को उड़ा दिया। फिर शिविर जब वापस आया, तब शिविर को लगा कि यार ये तो मेरी मर्दानगी पे आ गई ये बात। अब शिविर ने जब खोली बात तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई। मतलब हद थी कि एक इंसान कितनी बातें कितनी टाइम तक झुटला सकता है, वो आकृति से सीखे। कब बोला? मैंने कभी नहीं बोला। आई सेड आई लाइक यू, बोल दिया होगा आई लव यू, सो व्हाट। और मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला था कि शो से बाहर आके मुझे प्रपोज करना, इसका कोई इतना बड़ा मतलब नहीं होता। ये लेकिन वो जो एलिगेशन अभी आकृति से वेद, आकृति दिग्विजय और आकृति जोशन के ऊपर, ये सेम एलिगेशन लोगों ने आपके ऊपर भी डाला है। जितना बोलता हूँ मुझे याद रहता है। बाकी जैसे अगर किसी का नाम जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ना, उनके नाम नहीं याद रहते या कोई ऐसी चीज होती है, मैं भूल जाता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने किसको क्या बोला। अगर किसी के लिए अच्छा सोचना, फॉल्स होप देने, तो यार हाँ मैं विलेन हूँ आपका, मैं माफी मांगूंगा। मैं आपसे, आप बोलोगे मैं यहाँ पर दंगा होके आपके पैरों पे गिर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं किसी को अपनी फोटो भेज रहा हूँ अपने स्टाइलिस्ट के साथ, या मैं उसको वीडियो कॉल कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव अ इमोशनल फीलिंग कि यार इसका हो जाए, अच्छा हो, प्यार है तो हाँ मैंने प्यार किया। और प्यार करना पाप है। तुमको क्या लगता है, फेक कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे हैं? एक बार वन वोट में खत्म करेंगे यार। देखो हर्ष बोला तो भाई उसका रियल है, हर्ष रोशाली मैं बता रहा हूँ ना, वो तो है ही, वो तो कल्प्रिट खुद है, वो तो उसका तो सीन से सॉर्ट है। मैं बताता हूँ ना, हर्ष रोशाली सॉर्टेड है, प्यार होगा। शिवेता निका है, वो नहीं है तो इतने लोगों के सामने बैठ के प्रपोज करेगा, ठीक है। आखिरी थी जसवंत, डाइसी मेरे को लगता है, डाइसी, ठीक है ना। बाकी देखो पता नहीं। सो गाइस बहुत लोगों का राज हमको पता चला। सो गाइस प्लीज ट्यून इन एंड बहुत मजा आने वाला है। आमिर भाई द क्यूपिड एंड दिस इज हर्ष साइनिंग ऑफ। साइनिंग ऑफ। और अगर सच्ची में पता चलना है कि आई लव यू तीन शब्द बोल कर कौन गलत इस्तेमाल कर रहा है और एक्सक्लूसिव ये खबर अफवाह है कि नहीं, इसलिए तुमको देखना पड़ेगा MTV स्पिट्सविला 15 ऑन जियो सिनेमा एंड फुली फालतू यूट्यूब चैनल। आमिर हुसैन उर्फ क्यूपिड साइनिंग ऑफ। एडी भाई कम ऑन।